This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. त्योहारों और शादियों का सीजन शुरू होने से पहले सोना सस्ता हो गया है, ये ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है। आज MCX पर प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 46,000 के करीब हो गया है। पिछले एक हफ्ते में सोने की कीमत 2,000 रुपये प्रति 10 तोले की गिरावट देखने को मिली है। 3 अगस्त को सोने का भाव 48,000 रुपये था और आज 46,000 हो गया है। इस वक्त सोने का भाव 4 महीने के निचले स्तर पर है। ये सोने में निवेश और ज्वेलरी खरीदने का सुनहरा मौका है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में नरमी के चलते गोल्ड का भाव नीचे आया है। गोल्ड में गिरावट की कई वजहें हैं, जैसे अमेरिका में जॉब मार्केट में मजबूती, जिसकी वजह से फेड समय से पहले ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। दूसरा, निवेशक फिर से गोल्ड से पैसा निकालकर इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। अभी गोल्ड में गिरावट की यही दो बड़ी वजह हैं। जानकारों का मानना है कि अभी सोना 45,000 से 48,000 के बीच ही रह सकता है। सोने के अलावा चांदी की कीमतों में भी नरमी देखी जा रही है। 1 किलो चांदी का भाव 64,000 पर आ गया है, जबकि शुक्रवार को चांदी का भाव 66,700 रुपये था। यानी चांदी की कीमत में एक दिन में ही 2,700 रुपये की गिरावट आ गई है। निवेशकों के लिए इस वक्त सोने और चांदी में खरीदारी का मौका है। अभी भी सोने चांदी की कीमतों को महंगाई और कई देशों में आंशिक लॉकडाउन की वजह से सोने चांदी को सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में सोने और चांदी दोनों ही लंबी अवधि में मुनाफे का सौदा साबित हो सकते हैं। इस भाव पर 3 से 5 साल के लिए निवेश फायदेमंद साबित हो सकता है। इस वक्त सोने का भाव अपनी उच्चतम कीमत से 10,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। पिछले साल जुलाई अगस्त में सोने का भाव 55,000 से 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। अब अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हॉलमार्क के निशान वाली ज्वेलरी ही खरीदें। हॉलमार्क का निशान सोने की शुद्धता की सरकारी गारंटी होता है। 22 कैरेट की ज्वेलरी पर BIS के निशान के बाद 91.6 लिखा हुआ जरूर देखें। वहीं 21 कैरेट की ज्वेलरी पर BIS के निशान के बाद 87.5 लिखा हुआ जरूर देखें और 18 कैरेट की ज्वेलरी पर BIS के निशान के बाद 75.0 लिखा हुआ जरूर देखें। BIS वो सरकारी संस्था है जो गोल्ड ज्वेलरी की शुद्धता को जांचती है, इसलिए हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदना जरूरी होता है ताकि ज्वेलर आपको ठग ना सके। अगर आप नग वाली ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो नग का सर्टिफिकेट जरूर लें और नग के वजन को सोने से अलग करवा के ही ज्वेलरी खरीदें। तो ये वो जरूरी बातें हैं जो आपको सोने की ज्वेलरी खरीदते समय जरूर ध्यान में रखनी चाहिए।